सभी को नमस्कार और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा है, टी गार्डन बी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह ग्रह पृथ्वी से ज्यादा रहने योग्य हो सकता है। तो आइए गोता लगाएं और इस आकर्षक ग्रह के बारे में और जानें। टी गार्डन बी एक एक्सोप्लैनेट है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर का ग्रह है। इसे 2019 में CARMENES स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके खोजा गया था, जो एक उच्च परिशुद्धता उपकरण है जिसे आसपास के सितारों के आसपास के ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। टी गार्डन बी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि ग्रह अपनी सतह पर तरल पानी बनाए रखने के लिए अपने तारे से पर्याप्त गर्मी प्राप्त करता है। यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि कोई ग्रह रहने योग्य है या नहीं। टी गार्डन बी लगभग 1.05 पृथ्वी के द्रव्यमान के साथ पृथ्वी के समान आकार का है। यह हमसे केवल 12.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो इसे अब तक खोजे गए सबसे निकटतम एक्सोप्लैनेट्स में से एक बनाता है। इसकी निकटता के बावजूद हम ग्रह के वातावरण या सतह की संरचना के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसके स्थान और उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर कुछ शिक्षित अनुमान लगाने में सक्षम हैं। पृथ्वी की तुलना में टी गार्डन बी को संभावित रूप से अधिक रहने योग्य बनाने वाली चीजों में से एक इसका तारा है। टी गार्डन बी जिस तारे की परिक्रमा करता है वो एक लाल बौना है, जो हमारे सूर्य से बहुत ठंडा और छोटा है। इसका अर्थ है कि टी गार्डन बी में पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थिर जलवायु होने की संभावना है। ग्रह के घने वातावरण की भी उम्मीद है, जो हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण से सुरक्षा प्रदान करेगा। एक अन्य कारक जो टी गार्डन बी को आवास के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाता है वो तथ्य ये है कि यह एक खुशी से बंद ग्रह है। इसका मतलब यह है कि ग्रह के एक तरफ हमेशा तारे का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है। यह एक बुरी बात की तरह लग सकता है, लेकिन इसका वास्तव में मतलब है कि ग्रह पर तापमान पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थिर होने की संभावना है, जहां दिन और रात के बीच बड़े तापमान में उतार चढ़ाव होता है। स्पेन में कैटालोनिया के अंतरिक्ष अध्ययन संस्थान के इग्नेसी रिबास के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा टी गार्डन बी की रहने की क्षमता का विस्तार से अध्ययन किया गया है। टीम ने ग्रह की जलवायु और वायुमंडलीय स्थितियों के मॉडल के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की उच्च सांद्रता के साथ ग्रह का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग होने की संभावना है। हालांकि ये स्थितियां अभी भी जीवन का समर्थन कर सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो टी गार्डन बी पर जीवन पाने की कितनी संभावना है? ठीक है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिक आशावादी हैं। तथ्य ये है कि ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है और एक स्थिर जलवायु है, जो इसे जीवन के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार बनाता है। हालांकि हम निश्चित रूप से तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम ग्रह के वातावरण का अधिक विस्तार से अध्ययन नहीं कर लेते। इसकी संभावित आदत के अलावा टी गार्डन बी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी एक दिलचस्प लक्ष्य है। पृथ्वी से इसकी निकटता इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप के साथ अध्ययन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है, जो 2021 में लॉन्च होने वाली है। इन उपकरणों के साथ हम ग्रह के वातावरण का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में सक्षम हो सकते हैं और जीवन के संकेतों की खोज करें। अंत में, टी गार्डन बी एक आकर्षक ग्रह है जो संभावित रूप से पृथ्वी की तुलना में अधिक रहने योग्य हो सकता है। जबकि हमें अभी भी इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखना है, हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत आशाजनक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करना जारी रखते हैं, हमें टी गार्डन बी जैसे अधिक से अधिक ग्रह मिल सकते हैं, जो हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन कितना सामान्य है। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।